ओम दौ शांतिरंतरिक्ष शांति पृथ्वी शांति रोषधयः शांति वनस्पतयः शांति। अरे ठीक से बैठना। अरे मुझे नींद आ रही है तो मैं क्या करूं? अरे जगदीश अब बेटा आराम से। पहले इसे बोलो मेरे ऊपर चिल्लाए नहीं। चिल्लाऊंगी, धक्का मारोगे तो 100 बार चिल्लाऊंगी। लाड़ो आनंदी बेटा आप ऐसे नहीं बोलते। बापू इसे बोलो मेरे से दूर बैठे। अरे बेटा मंडप में ऐसे ही बैठते हैं। तो ले चलो मुझे मंडप से। शुभ शुभ बोल बेटा बैठा रहे। पंडित जी शुरू कीजिए। मैं हाथ जो कहा कि हुजूर मेरी मजाल जो कुछ मैं बोलूं, लेकिन बड़े साहब ने भी आपको देख लिया था थाने में टीम में गन्नोटों गड्डी डालते हुए। अरे साहब तो थोड़े आदर्शवादी ठहरे, मैं उनकी हाँ में हाँ ना मिलाता तो क्या मैं अपनी नौकरी खोता। साहब ने उसे थाने पे बुला के पूछा क्या तेरी लाठी वाठी लग गई क्या। भाई साहब आप फोन बंद करके मेरी बात सुनने की तकलीफ करेंगे। अच्छा तू फोन रख मैं बाद में बात करता हूँ। क्या बात है मैडम जी इतनी उतावली क्यों हो रही हो? रामगंज के थानेदार साहब कहाँ है? अजी ये तो रामगंज के थाने में जाकर ही पता चलेगा ना। मैं वहीं से आ रही हूँ, वो वहाँ पर नहीं है और हेड कांस्टेबल भी नहीं है। थानेदार साहब का तो हमें पता नहीं लेकिन हेड कांस्टेबल वहीं पर है जी। नहीं है मैडम जी, अभी मैं उसी से तो फोन पे बात कर रहा था। हवन कार्य संपन्न हुआ, अब बना और बनी अग्नि को साक्षी मानकर फेरों के लिए अपनी जगह पर खड़े हो जाएं। कांस्टेबल साहब कहाँ हैं? सर मैं आप ही को ढूंढ रही हूँ। हाँ कहिए। अब थानेदार साहब कहाँ हैं? वो कहीं जरूरी काम से गए, मुझे बताइए क्या बात है। देखिए हमारे गांव में थानेदार साहब की बहुत सख्त जरूरत है, मैं पहले ही उनको इस सब के बारे में बता चुकी हूँ। आप जल्दी से उनको फोन करके बुला दीजिए ना प्लीज। मैडम जी फोन नहीं कर सकता, आपको इंतजार करना पड़ेगा। देखिए मैं इंतजार नहीं कर सकती, आप बता दीजिए वो कहाँ है, मैं खुद चली जाऊंगी। चिल्लाइए मत मैडम जी, यहाँ 50 गाँव है, कितने का नाम याद रखूं मैं? अरे के नाम बताया था पास के गांव का। बिलरिया हुकुम। हाँ बिलरिया। मतलब वो वहां पहुंच गए? मैं भी उधर ही जा रहा हूँ, आप मुझे बताइए आपका संदेश दे दूंगा। देखिए बड़ी मेहरबानी होगी अगर मैं आपके साथ वहां चलूं तो। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुण ध्वज मंगलम पुंडरी कांच सर्वमंगलाय तनोहरि शुक्लं वरधनं देवं सशिवानं चतुर्भुजं। संपन्न हुआ, अब बना बनी अपने माता पिता एवं वृद्धों का आशीर्वाद ग्रहण करें। थैंक यू। ओके ये रामगंज चौकी के थानेदार हैं संधि जी। समझिए हमारे भाई साहब जैसे हैं,
हमारे घर का कोई भी काम इनके आशीर्वाद के बगैर नहीं होता है। मुझे लगा इतना काम सौंप रखा है सरकार ने आपके जिम्मे, पता नहीं आपको वक्त मिल पाएगा या नहीं। अरे तुमने इतने प्यार से जो बुलाया था खजान सिंह, कैसे ना आते। हाँ वो तो है, एक मिनट आप ठहरिए मैं। मेरी बिटिया और दामाद को आशीर्वाद दे दीजिए भाई साहब, नई जोड़ी को आपकी दुआ प्रार्थना की बहुत जरूरत है। बेटा पहुंचू का सके। शादी के दौरान हम लोग इनको रंगे हाथों पकड़ेंगे, ये उनके लिए और गांव वालों दोनों के लिए सबक होगा। मैडम आप कानून पर भरोसा रखिए। थानेदार जी, मुझे झूठा आश्वासन देकर आप यहां क्या कर रहे हैं? कानून के रक्षक होकर एक गैर कानूनी शादी में शामिल होने चले आए? आ गई कलेक्टर ने साहिबा, रोब झाड़ने। मैं रोब नहीं जमा रही, आपको आपका फर्ज याद दिला रही हूँ। बाल विवाह का साथ देना इस देश के कानून का मजाक उड़ाना है। ये सब क्या तमाशा हो रहा है समधी जी? अजी मैं बताता हूँ, ये मास्टरनी बहुत दिनों से शादी में बाधा डालने के चक्कर में थी, आई थी मेरे पास कानून समझाने। कहने लगी खजान सिंह और उनके समधी को चाइल्ड मैरिज एक्ट के तहत आपको गिरफ्तार करना होगा। ऐसे कैसे गिरफ्तार करवा देगी, इसके बाबा जी का राज है। अजी आप अपना खून क्यों जलाते हैं, मैं हूं ना। मेरी बात मानो, ये समाज सेवा छोड़कर टीचरगिरी करो, उसी बात की तो सरकार तनख्वाह देती है ना आपको, तो शुभ काम में अड़ंगा डालकर कुछ मिलने वाला नहीं है आपको। आप इसे शुभ काम कह रहे हैं? गांव के बड़े बूढ़ों के सामने दो मासूम बच्चों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ हो रहा है और कोई कुछ नहीं कह रहा है? हेलो मास्टर जी, अरे इसे खिलवाड़ नहीं कहते हैं, ये तो ब्याह हो रहा है ब्याह। आप तो न्याय करते हैं ना सरपंच जी, इतना भी नहीं जानते कि हवन की पावन अग्नि भी एक अपराध के रूप को बदल नहीं सकती? किस बच्ची को आशीर्वाद दे रहे हैं आप जो शादी का अर्थ ही नहीं जानती? उसने अपने गुड्डे गुड़ियों की शादी जरूर की है, लेकिन शादी के बाद का जीवन, अपने कर्तव्यों का मतलब वो नहीं जानती। और आप, आपको सरकार ने जनता की सेवा और कानून की रक्षा के लिए रखा है ना? आप इस दुर्घटना को रोकने और इससे जुड़े लोगों को सजा देने की बजाय खुद इसमें शामिल हो गए। देखिए मास्टर जी, भाषण मैं भी दे सकता हूँ, रही बात कानून की तो वो भी। काश आपको कानून की जानकारी होती। देखिए आप सब मेरा भरोसा कीजिए, मैं आपकी खुशी में बाधा डालना नहीं चाहती, मैं बस इतना कहना चाहती हूँ कि उम्र भर का ये रिश्ता इस कच्ची उम्र में नहीं होता। जहाँ हर चीज एक खेल सी लगती है, आनंदी अभी तन और मन से बच्ची है और जिससे उसकी शादी हो रही है उसके लिए शादी का मतलब क्या है? नए कपड़े, मिठाइयाँ, बाजे गाजे, शहनाई की धुन से भरे एक मेले से बढ़कर और कुछ नहीं है।
हम प्रकृति के नियमों के विरुद्ध नहीं जा सकते। सरपंच जी, शास्त्रों ने भी गृहस्थ जीवन की एक उम्र तय की है ना? तो सरकार ने भी कुछ न कुछ सोच समझकर ही शादी के नियम बनाए होंगे। तो हम और आप कौन होते हैं उस नियम को तोड़ने वाले? जो रसम कानून का मजाक उड़ाए, उसे शादी का नाम देकर हम ये पाप क्यों कर रहे हैं? बापू, क्या मेरी शादी पाप है? चलो चलो चलो। पाप और पुण्य का फैसला करने वाला कोई और है मास्टरनी। अपने आप को इतना बड़ा मत समझो। बहुत हो गया, बहुत सुन ली तुम्हारी बकवास। अब चले जाओ यहाँ से। आप तो बेटी के बाप है ना खजान सिंह जी, क्या बेटी इतना बड़ा बोझ बन गई कि उसे अपने कंधों से जल्द उतार कर फेंक देना चाहते हैं? मैं आप सब से हाथ जोड़कर विनती करती हूँ, अभी भी देर नहीं हुई है, इस शादी को रोक लीजिए। फेरे तो हो चुके मास्टर नी, ब्याह भी हो चुका है, अब क्या उल्टे चक्कर लगवा दे? शहर से चार किताब क्या पढ़ के आई हो तो तुम सबसे बड़े अपने आप को गुनी समझने लगी? मैं तू जैसे बिगड़ी छोरी को अच्छी तरह से जानती हूँ। शादी बकत में नहीं होती तो इधर उधर नैन मटका मारती फिरती रहती है, और गांव वाले को कानून का पाठ पढ़ाती हूँ। देखिए बस, यही तो सही उम्र है उनकी ब्याह की। लड़कियों के तन मन पर बचपन से एक ही मर्द का नाम छप जाता है जो उसके आरती के साथ ही जाता है। तू जैसे शहरी छोरी की तरह नहीं, आज इसके साथ तो कल उसके साथ। और तू होती कौन है हमारे रीति रिवाज में उंगली उठाने वाली? तुझे इस गांव में आए 6 महीने भी नहीं हुए। अफसोस की बात है, आप जैसी औरतें मासूम बच्चों की बलि चढ़ाने पर तुली हुई है। एक औरत ही एक औरत की सबसे बड़ी दुश्मन होती है। जुबान संभाल कर बोलो मास्टरनी। मुझे चुप कराकर आप इतना बड़ा अन्याय नहीं कर सकते। अगर थानेदार साहब मेरा साथ नहीं देंगे तो मैं ऊपर तक जाऊंगी और आप सबको इस अपराध की सजा दिलवा कर ही रहूंगी। कानून आप सब की तरह अंधा नहीं है। मैं अपनी आवाज सरकार तक पहुंचाऊंगी, प्रेस और मीडिया का सहारा लूंगी। जब तक आप सबको आपके करने की सजा नहीं मिल जाती, चैन से नहीं बैठूंगी। जे कैसे घर में तूने अपने छोरे का रिश्ता किया है भैरो? रे एक लौता चराग है हमारा पोता हमारे घर खानदान का, इसे कुछ हो गया ना एक एक को कच्चा चबा जाऊंगी। उस मास्टरनी ने कहा कि वो पहले भी आपको रोक चुकी थी, आपके ठानेदार दोस्त से भी बात कर चुकी थी, लेकिन फिर भी आप चुप रहे। अरे हमसे कहा होता हम ही कुछ कर लेते। उस मास्टरनी को इस गांव से बाहर फेंकवा दिया होता हमने। एक मामूली सी मास्टरनी इस तरह से आके कम से कम हमारी इज्जत की धज्जियां तो नहीं उड़ाती। समझी जी, आप नाहक ही परेशान हो रहे हैं। मैं अरे रहने दीजिए, आप लोगों से कुछ नहीं होगा। पूरी बिरादरी के सामने हमारी नाक कटवा दी। भाई साहब शांत हो जाइए।
ये समय आपस में बहस करने का नहीं है। हमें मिलजुल कर इस समस्या से छुटकारा पाना होगा। कोई ना कोई रास्ता ढूंढना ही पड़ेगा। जी मैं कुछ बोल सकता हूं? इस मास्टरनी जैसी कितनी आई और कितनी गई, इसे चुप कराना मेरे लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अरे तो क्या आप हमारे न्योते की राह देख रहे थे? बारात आने से पहले ये सब निपटा लिया होता ना। अब आपका ही सहारा है भाई साहब। हमारे समधी जी और हमारी बिरादरी की इज्जत अब आपके हाथ में। सारी चिंता छोड़कर निश्चिंत हो जाइए, आइए मेरे साथ, जरा कुछ काम की बातें कर लें। आप भी आइए। मेरे घर पर आए संकट से अब आप ही बचा सकते हैं भाई साहब। बैठे बिठाए बड़ा बखेड़ा खड़ा कर दिया इस मास्टरनी ने। अरे क्यों परेशान होते हैं भाई, अपना बड़ा भाई मानते हैं ना मुझे, तो मेरे होते कैसी परेशानी। अरे सब ठीक हो जाएगा, रुपया देखकर किसका मुंह नहीं खुलता। और फिर जेब गरम हो ना तो अच्छे अच्छों की बोलती बंद हो जाती है। मैं मना लूंगा सबको, लेकिन हाँ उसके लिए आपको अपनी थोड़ी जेब ढीली करनी पड़ेगी। मंजूर हो तो बोलो। खजान सिंह जो करना है जल्दी करना पड़ेगा। एक बार वो मास्टरनी हायर अथॉरिटीज में पहुंच गई तो मेरे हाथ भी बन जाएंगे। अपनी नौकरी खतरे में तो नहीं डाल सकता ना मैं। जैसा आप कहें, पर रुपया कितना लगेगा? वैसे तो मैं कम से कम में निपटाने की कोशिश करूंगा, लेकिन 80,000 रुपया तो तैयार ही रखिए। 80,000? क्यों, मुश्किल है? सोच लो, बेटी की शादी पर कानून का ठप्पा लगाना है, इतना तो करना ही पड़ेगा खजांच से। ठीक है, अब मैं कुछ इंतजाम करता हूँ रुपयों का। आप लोग चलिए, आइए आइए। कहाँ रह गए ये लोग? इससे पहले को कोई मुसीबत खड़ी हो जाए, शादी की बची खुची रस्में निपटा के निकल ले लेना चाहिए हमें। उस मास्टरनी का कोई भरोसा नहीं है। तो थानेदार साहब, आपकी बात पर विश्वास कर लेना, अगर वो औरत नहीं मानी तो। अरे उसके तो दादा परदादा भी मानेंगे। मैं इस एरिए के सारे थानों में फोन कर दूंगा, अगर वो मास्टरनी कंप्लेंट कराने जाए तो उसकी बात पर कोई कांड ना करे। आप लोग आराम से शांत से शादी निपटाइए। बेटी की शादी बार बार थोड़ी होती है खजान सिंह जी, और अगर ऐसी गिदड़ भक्कियों से डरने लगे ना तो समाज के सारे काम काज रुक जाएंगे। तुम लोग गाना बजाना चालू करो भाई, और तू चल मेरे साथ। देखे तो सही मैडम जी कहाँ गई है। आप लोग जरा बाहर आइए, जाओ भाई। ये लोग टीचर जी को किसी मुसीबत में ना डाल दें, मुझे उन्हें बचाना ही होगा। बना बनी कहाँ है, उन्हें बुलाओ। मुहूर्त रहते हुए बाकी रस्म रिवाज पूरे करने हैं कि नहीं। टीचर जी बहुत गड़बड़ हो गई है। वो थानेदार है ना, वो आपको ढूंढने निकला है, वो आपको नुकसान भी पहुंचा सकते हैं। जो हो गया सो हो गया, अब आप भी ये शादी रोकने की जिद छोड़ दीजिए ना। ये जिद नहीं है पुरुषोत्तम जी, अन्याय और बुराई के खिलाफ मेरी लड़ाई है। हाँ, लेकिन लड़ने से पहले सामने वाले की ताकत भी तो देखिए। हम जैसे लोगों को कीड़े मकोड़ों की तरह मसल देंगे वो सब। यही डर हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है। टीचर जी, ये रीति रिवाजों को हम बदल नहीं सकते। देखिए अब आप क्यों हाथ जलाना चाहती हैं? ये सब ऐसे ही चलता आया और ऐसे ही चलता रहेगा। नहीं चलेगा, अगर आप जैसे लोग इस धर्म युद्ध में मेरा साथ देंगे तो। मैं? हाँ आप पुरुषोत्तम जी, आपने अपनी बेटी गंवाई है ना, तब तो आप कुछ ना कर सके, लेकिन आज इस भले काम में मेरी मदद करके हो सकता है आप अपनी बेटी की आत्मा को शांति पहुंचा सके। मेरे साथ चलिए पुरुषोत्तम जी,
कोई बात नहीं, मैं आपको मजबूर नहीं करूंगी। पुरुषोत्तम भाई, यहाँ क्या कर रहे हो? अरे, वो भी इतनी रात। बहुत अच्छा हुआ भैया आप आ गए। एक मदद करोगे? थोड़ी देर के लिए आपकी गाड़ी मुझे दे दो। देखो मेरी साइकिल आप ले जाओ, मैं रात में आपकी गाड़ी आपके घर पहुंचा दूंगा। ठीक है भैया, ले लीजिए। आइए टीचर जी, आपको शहर जाना है ना, मैं लेके चलता हूँ। मैं आपकी जान को जोखिम में डाल सकता हूँ। चलिए। इधर से कच्चे वाले रास्ते से ले लेंगे, ठीक है? भाई साहब इतना याद रखिएगा, आपके भरोसे बैठे हैं हम। अजी आपका भरोसा टूटने नहीं दूंगा खजान सिंह जी, अब तो खुशखबरी लेकर ही आऊंगा मैं। क्या हो गया खजान सिंह जी? जोड़ी हुई सारी कमाई तो मैंने बेटी के ब्याह में लगा दी। थानेदार जी को देने के लिए 80,000 रुपए कहां से लाऊंगा? अरे बेटी का ब्याह करने चले थे तो वक्त बेवक्त की जरूरत के लिए गांठ में पैसा भी रखना था ना, और अगर नहीं था तो हमसे कहा होता? भाई साहब थोड़े गर्म मिजाज के हैं, चाँद बिरादरी का सामना भी उन्हें करना पड़ता है, लेकिन आप चिंता मत कीजिए, पैसों का इंतजाम मैं कर दूंगा और भाई साहब को भी बना लूंगा। नहीं नहीं समधी जी, मैं चोरी वाला हूँ, मैं आपसे कैसे पैसे? आप उधार समझ कर रख लीजिए, फसल आने पर लौटा दीजिएगा। बहुत मेहरबानी है आपकी, बड़े नसीब से आप जैसे समधी मिले हैं मुझे। ईश्वर ना उस टीचर जी को तो उसके केक के सजा जरूर देगा। जाने दीजिए खजान सिंह जी, चलिए आप चलिए आइए। सब लोग एकदम से लड़ने क्यों लग गए? कितने खुश थे सब, और मास्टरनी जी बापू पे क्यों चिल्ला रही थी? मास्टरनी जी तेरी शादी रोकना चाहती है। लेकिन क्यों? मुझे क्या पता, मास्टरनी जी कह रही थी बड़े अफसर को बुलाकर शिकायत करेगी। फिर क्या होगा? तेरी शादी टूट जाएगी। और क्या? मेरी शादी टूट जाएगी, ऐसा क्यों कर रही है मास्टरनी जी? पुली कह रही है कि मेरी शादी टूट जाएगी, फिर ये सारे नए कपड़े और गहने मुझसे वापस ले लेंगे। नहीं लाडू, ऐसा कुछ नहीं होगा, कोई ऐसे कैसे तारे ब्याह को तोड़ देगा? हाँ लेकिन माँ वो मास्टर ने जी। नहीं लाडू, उनकी बातों पर ध्यान ना दे तू, ऐसी कुछ भी बोले है वो अच्छी औरत नहीं है, दूसरों की खुशी से जलती है, इसीलिए तारे ब्याह में बिघन डालने आ गई। तू चुप हो जा, चलिए ऐसा रोना नहीं है, बस तू चुप हो जा, रोना बंद कर दे। फॉर मोर अपडेट्स लॉग ऑन टू colorstv.in.com, लाइक अस ऑन facebook.com/colorstv, फॉलो अस ऑन twitter.com/colorstv. For more updates, log on to colorstv.in.com. Like us on facebook.com/colorstv. Follow us on twitter.com/colorstv.